ये जो है सबसे पहली बात है कि इसमें उतनी हीमोग्लोबिन की क्षमता देती है, हीमोग्लोबिन बनाने का जो स्कोप है वो एनीमिया के रोगों को दूर कर। नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। आज फिर हम आए हैं, मशरूम की खेती होता है उस फॉर्म में आए हैं, फार्म में, तो दिखाते हैं फिर से आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नाजुक मशरूम जो उगा हुआ है। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। काफ़ी सुंदर, कितना सुंदर है भैया, देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। हाँ देखिए, लवा ना, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर। इस बैग में अभी नहीं हुआ है, नहीं इधर हुआ है। और इस बैग में देखिए काफ़ी छोटा छोटा नन्हा सा दिख रहा होगा आपको, निकलने वाला है। और ऊपर देखिए इस तरह का निकला हुआ है, तो ये बैग में से जहाँ तहाँ से मशरूम निकलता है। और इसमें देखिए लगा हुआ है, ये मशरूम शायद रेडी है तोड़ने के लिए। देखिए काफ़ी सुंदर मशरूम आपको दिख रहा होगा, इस बैग में भी निकलने वाला है। बहुत मेहनत लगता है, अच्छा। और देखिए ये तीनों बैग में अभी निकलने वाला है। और इसमें देखिए कि काफी भरा हुआ है, लगता है कि लगभग आधा किलो से एक किलो के बीच में इसमें से निकलेगा। और ये देखिए इसमें नन्हा सा निकल रहा है। देखिए काफी सुंदर, जब ऐसे आकृति में आ जाए ऊपर से और तैयार हो तो तैयार। देखिए ये आपको ब्लैंक नजर आ रहा होगा, उसके बाद उसमें से इस तरह का छोटा सा फूटेगा नन्हा सा मशरूम, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होकर इस तरह इतना बड़ा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये उससे थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर उससे बड़ा देखिए यहाँ पर काफी शानदार खूबसूरत सा मशरूम दिख रहा होगा। तो इस तरह मशरूम की खेती हो रही है जो काफी आकर्षक दिखता है, हमको खाने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। खाने का तो बहुत सारा इसका फायदा है, विटामिन इसमें बहुत सारा पौष्टिक है, ब्लड को डायरेक्ट ये बढ़ाता है। तो हम जो उगाते हैं उनसे हम बात भी करेंगे अभी। तो अभी आपने देखा कि मशरूम की कैसे खेती की जा रही है, और खेती करने वाले जो किसान हैं घनश्याम मंडल जी, उनसे हम बात करेंगे कि वो इसके फायदे के बारे में बताएंगे और कितना दिन लग जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो हम घनश्याम मंडल जी से बात करते हैं। हाँ तो घनश्याम मंडल जी, ये जो मशरूम है किस प्रजाति का है? ये वॉयस्टर मशरूम है। ये वॉयस्टर मशरूम है, और इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके ये जो है सबसे पहली बात है कि इसमें उतनी हीमोग्लोबिन की क्षमता देती है, हीमोग्लोबिन बनाने का जो स्कोप है वो एनीमिया के रोगों को दूर कर सकता है जी। और खाने से तो जो फायदा है वो फिर खाने के बाद ही पता चलता है। तो ये जैसे चिकन खाते हैं और ये मशरूम है, तो दोनों में किस में ज्यादा फायदा है? फायदा चिकन से ज्यादा क्या, वो 50% अगर उसमें प्रोटीन है तो इसमें 82% प्रोटीन, यानी कि शाकाहारी में मशरूम खाया जाए चिकन छोड़कर। खेती कैसे, अच्छा ये खेती कैसे होती है, कितना दिन में तैयार होता है, से बताइए क्या कितना मेहनत है, ये सब थोड़ा सा बताइए। मेहनत करने वाले के लिए कोई मेहनत नहीं, और ना करने वाले के लिए काफी मेहनत है जी, इसलिए कि करके भी तो कोई देखे कैसे क्या होता है। तो कितना दिन लगता है ये बताइए। ये एक बार उगाने में 25 से 30 दिन तक मेहनत करना पड़ता है, सेवना पड़ता। क्या एक बैग से कितना निकल जाता होगा? एक बैग से करीब करीब 800 किलो भूसा में 700 से 800 ग्राम मशरूम तैयार होता है। उसके बाद वो भूसा बेकार हो जाता है, भूसा बर्बाद हो जाता है। तो इसको तो काफी सहेजना पड़ता होगा मौसम के अनुसार। हाँ। या
इसमें पानी डालना पड़ता होगा, हाँ सब देखना पड़ता होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप अपना जगह के नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। मेरा जो है जगह पटेल नगर सोनारू के बीच बस्ती में है। ठीक है, वृंदावन वाली, वृंदावन जो गार्डन के बगल वाली गली, अलग बगल वाली गली में से होते हुए आता है। और सबसे बड़ी बात है क्या, ये जो है खाने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति को तो अधिक खाना चाहिए। तो मोबाइल नंबर बताइए। 70-33-60-28-88 कोई भी आपसे ही फोन करके ले सकता है। ले सकता। ठीक है, धन्यवाद। कितना आराम से तोड़ना होता है, बहुत नाजुक होता है। ये अपने देख लेंगे कौन सा तैयार है। और देखिए इस तरह मशरूम को तोड़ा जाता है, गुच्छा गुच्छा है। करोड़ों रुपया में ही चीज ना मिलती है एकदम आपको बाजार में मिलेगा बासी, और यहाँ मिल रहा है एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल प्योर शुद्ध। हमें वो बनाए थे एकदम, मुर्गा नहीं लगता है। नहीं, कला है कि उसका मैंने चूर भी नहीं हो गए। और देख सकते हैं मशरूम को तोड़ा जा रहा है। सावधानी आपको बता रहे हैं, हीन मिले जाते ना तो दर्द को देखने वाला टूटेगा नहीं है।